जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। सॉइल इज द हैबिटेट। मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हम कार्बन की बात करते हैं, वातावरण में मिलने वाली गंदगी और कई स्तरों पर होने वाले प्रदूषण की बातें करते हैं। इससे पहले हमें सबसे बड़ी परेशानी का समाधान खोजना होगा, क्योंकि दुनिया में एक गलतफहमी है। अभियान चलाकर नागरिक या सिविक मुद्दों को पर्यावरण के मुद्दे बनाकर पेश किया जा रहा है। आज अगर न्यूयॉर्क शहर में प्लास्टिक की थैलियां तैर रही हैं, तो ये पर्यावरण का नहीं बल्कि एक नागरिक मुद्दा है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। एक या दो सालों में अगर इसे साफ करने वाले जरूरी प्लांट्स लगाए जाएं और कानून लागू किए जाएं, तो ये नागरिक मुद्दे हैं जिन्हें कानून लागू करके और जागरूकता के साथ ठीक किया जा सकता है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है, यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%, ये आत्महत्या है। ये वाकई आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर